इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की फीचर्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। इस पॉलिसी की फीचर्स समझाने से पहले मैं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ मूव करने के लिए, ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए पॉलिसी बनाई थी। और ये पॉलिसी 1991 में बनी थी, इसलिए इसके साथ हम 1991 वर्ड का यूज कर रहे हैं। 1991 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो स्पीड से जो है ग्रोथ कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सके, उसकी जीडीपी को बढ़ाया जा सके। तो उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो तीन मेजर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए वो डिसीजन थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LPG बोल देते हैं, यानी कि इनके फर्स्ट लेटर से हम इनको डिफाइन कर देते हैं। L मीन्स लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन एंड G ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में आज हम इन तीन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे मेजर रिफॉर्म रहा था। इनका मीनिंग क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है सरकार ने डिफाइन की। फर्स्ट बात करते हैं हम लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन मीन्स एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन द इंडस्ट्रीज बिफोर द 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस, कोटा, इस तरह की चीज़ें लगा रखी थी जिससे कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर नहीं कर पा रहे थे, आप ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, लाइसेंस आपको लेना पड़ता था, तो जिससे जो है आप प्रोडक्शन एक लिमिट में ही कर पाते थे और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में वो कम था, या प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम था। अब 1991 में जो पॉलिसी सरकार लेके आई उसका मेन पर्पज क्या था कि जो लाइसेंस सिस्टम है, जो कोटा है या रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने तरह तरह की लगा रखी है उनको कम कर दिया जाए। और लाइसेंस सिस्टम को तो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया, कुछ फ्यू सेक्टर में ही जो है लाइसेंस जो है अभी भी रिक्वायर्ड है, जो आपको अभी भी लेना पड़ता है। पहले हर टाइप के बिजनेस के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में 1991 में लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आई जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों, इंडस्ट्रीज लगाएं और देश की ग्रोथ में अपना वो कॉन्ट्रीब्यूशन दें। इस लिबरलाइजेशन में सरकार ने क्या क्या किया, लाइसेंस ख़त्म कर दिया जैसा कि हमने मीनिंग में अभी पढ़ा था, एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ को छोड़कर, कुछ सेक्टर को छोड़कर सभी में लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपेंड करने या उनको कम करने पर किसी तरह की सरकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मींस कोई भी बिजनेसमैन अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है कि अपने उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या अगर वो लॉस में चल रहा है तो उसे अपने बिजनेस को या अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा कम करना है। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट कम कर दिया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं मोटिवेट हो नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लिबरलाइजेशन किया गया, यानी कि रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस कम की गई ताकि जो है आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हों। ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, फॉरनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना ईजी हो गया, यानी कि सरकार ने जो सिस्टम बनाया है वो प्रोसीजर ऐसा बना दिया कि जिससे कि फॉरनर जो है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हों, अपना पैसा जो है इंडियन इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट करें। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का फ्रीली मूवमेंट हो सकता है, यानी कि आप किसी भी कंट्री से गुड्स फ्रीली जो है मंगा सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट रिफॉर्म की, प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि इसके भी नाम से क्लियर है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो इंक्रीज कर देना। 1991 से पहले इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था और प्राइवेट सेक्टर का कम था, और पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी
वो काफ़ी लॉस में चल रही थी। तो सरकार ने डिसीजन क्या लिया कि जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं या पब्लिक सेक्टर जो है उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा अच्छे से उसको ऑपरेट करेगा और उसको लॉस से जो है हम निकाल सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन फोकस क्या था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट थे और जो कंटिन्यूअस लॉस में चल रहे थे उनका प्राइवेटाइजेशन कर देना या उसमें से गवर्नमेंट का शेयर क्या कर देना, कम कर देना। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मीन्स प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या करना है, कम करना। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसाइड किया कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि सरकार जो है पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी बल्कि जो इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, यानी कि अपना शेयर उसमें से निकाल लेगी या शेयर कम कर देगी। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर देन इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का शेयर है, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया कि अगर प्राइवेट सेक्टर का शेयर उसमें 51% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट, उसके डिसीजन लेने की पावर जो है हम प्राइवेट सेक्टर को ही हैंड ओवर कर देंगे और वही सब कुछ देखेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार को जो घाटा कंटिन्यूस हो रहा था उस घाटे को कम किया जा सके। एंड द लास्ट रिफॉर्म इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि ग्लोबलाइजेशन इसकी टर्म से ही आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ग्लोबल, ग्लोबल क्या होता है, वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या ज़्यादातर कंट्रीज की इकोनॉमी को आपस में एक दूसरे से अटैच कर लेना, जिससे कि हम फ्रीली जो है एक दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें, कोई भी चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, टेक्नोलॉजी खरीद सकें या टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट कर सकें। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था कि जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड की या मोस्ट ऑफ द कंट्री जो हैं वर्ल्ड की उनकी इकोनॉमी को आपस में इंटीग्रेट करना, जिससे कि आप एक ओपन मार्केट की तरह, एक होम की तरह जो है एक दूसरे के साथ जो है ट्रेड कर सकें। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट, कि 1991 से पहले सरकार जो है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड जो उसकी पॉलिसी थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन 1991 के बाद जो है उस पॉलिसी को उन्होंने लिबरल बना दिया, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शन थी जो वो कम कर दी। तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन्ड नो बैरियर्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा कि जो फिजिकल बाउंड्री है किसी भी कंट्री की वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, मीन्स जो तरह तरह के गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जा सकेगा बिजनेस पर से और हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये तीन मेन डिसीजन थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए, एक नई पॉलिसी बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, और जिसमें सबसे मेजर डिसीजन ये थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।